सब्सक्राइब करें आरजे टेक्नोलॉजी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मोहित राज, आप देख रहे हैं आरजे टेक्नोलॉजी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने जो एडसेंस से उसमें आप अपना बैंक अकाउंट को कैसे ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल आपको सबसे पहले www.google.com/adsense पे जाके अपना एडसेंस अकाउंट बनाना होगा, जो कि हमारा यूट्यूब से अलग होता है लेकिन यूट्यूब से अटैच होता है। हमारा जो पैसा होता है वो यूट्यूब में नहीं आता, वो हमारा पैसा एडसेंस में आता है। तो ये सारी प्रोसेस आपको मैं मोबाइल पे बताऊंगा कि मोबाइल पे आपको कैसे करनी होगी फिलहाल, क्योंकि कंप्यूटर पे तो बहुत सारे लोग बताते हैं और ज्यादा लोगों के पास कंप्यूटर अवेलेबल भी नहीं होता, इसलिए मैं मोबाइल में ही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पे हमें अकाउंट अपना जो जीमेल उसी से हम जीमेल आईडी से हमें इस पे अकाउंट बनाना होगा, जिससे कि हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, यही बनाने के बाद हम गूगल क्रोम में इसको ओपन कर लेंगे, जैसे कि मैंने लिंक नीचे दिया वहां से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। फिर ये थ्री डॉट पे हम क्लिक करने के बाद नीचे जो आपका नीचे तीसरा नंबर है रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइड, इस पे हमें क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा कंप्यूटर में जिस तरह की साइड चलती है वो हमारा मोबाइल में साइड चलने लगेगी। फिर जैसा कि अभी आपको होम दिख रहा है, तो होम पे जाने के बाद अब हम पेमेंट ऑप्शन को ऐड करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रहे, होम पे क्लिक करने के बाद हमारे ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रहे कि जो भी हमारा पेमेंट ऑप्शन है वो ऐड करने से पहले हमारा जो एड्रेस है वो वेरीफाई जरूर होना चाहिए गूगल एडसेंस के लिए। तो वो वेरीफाई कैसे होगा कि हमारे $2-3 जैसे ही हमारे गूगल एडसेंस में ऐड होंगे आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद, तो आपके पास जो मेल से आपके पास बाई पोस्ट आपके घर पे एक कोड आएगा, उसको कोड को हमें इसमें डालना होता है। इसकी प्रोसेस सारी आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे हम एड्रेस वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा नंबर आता है पेमेंट का, तो हम पेमेंट पे इस पे क्लिक करेंगे। तो पेमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों के जैसे कि आपको इस कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, एक सेकेंड ये, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको है जो अर्निंग है वो हमारी अभी दिखा रहा है इस मंथ की $150, और यहाँ पे है आपका कि $100 से आप कम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ये इसके नियम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको यहाँ साइड में दिखाई देगा कि हाउ टू गेट पेड। ठीक है, तो मतलब आपको कहाँ पेड करना है, तो मैनेज पेमेंट मेथड, तो इस पर हमें क्लिक करना है। मैनेज पेमेंट मेथड पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ जैसे कि मेरा एक अकाउंट ऑलरेडी इसमें ऐड है, लेकिन हम एक के अलावा बहुत सारे अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना अकाउंट है वो कैसे अटैच करेंगे। तो ये है आपका ऐड पेमेंट मेथड, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप अपनी साइट उसमें खोलेंगे तो आपको एक फॉर्म आएगा, वो उसको आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। जैसे कि आपका ये फॉर्म है आपका, तो यहाँ पे ऊपर है बेनिफिशियर आईडी, ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। सेकंड नंबर पे है बैंक ऑन नेम ऑन बैंक अकाउंट, तो इसमें जो आपका नाम है बैंक अकाउंट वही सेम नेम यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ आशीष यादव। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बैंक का नाम, जैसे कि हम लिख देते हैं HDFC बैंक लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ नंबर आता है IFSC कोड, तो IFSC कोड के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हम है हमारी ब्रांच है उसको हम गूगल से सर्च कर लेंगे डायरेक्टली, जो साइड है आपकी बैंक ये आपको दिख रहा होगा bankifscode.com पे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है कि अपनी सबसे पहले अपनी बैंक यहां सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करनी है, आपको ये दिख रहा होगा। फिर इसके बाद अपना स्टेट, फिर स्टेट के बाद हमें जिला सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट अपना, उसके बाद अपनी ब्रांच सिलेक्ट करनी है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो जैसे कि आपको ये IFSC कोड दिख रहा है, ये आ चुका है इस ब्रांच का जो एटा की ब्रांच है, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमें इसको वहीं पे पेस्ट कर देना है, तो हम इसमें IFSC कोड ऊपर है इसमें हम पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पेस्ट हो गया। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो होता है SWIFT BIC कोड, तो ये कोड दोस्तों हमारा होता है, जैसे अगर हमारा इनकम है वो डॉलर में आ रही है तो इसको हर बैंक के पास होता है रुपया में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हर ब्रांच के पास तो नहीं होता है कोड, लेकिन हर बैंक के पास जरूर होता है। तो अगर आपकी छोटी मोटी ब्रांच है तो उसके पास नहीं होगा फिलहाल। छोटी ब्रांच के लिए अगर आप अपना जो भी है अकाउंट वो छोटी ब्रांच के लिए आप क्या करेंगे कि दूसरा जो आपकी स्टेट है उसमें आप सिर्फ आपकी स्टेट के अंदर कोई भी बड़ा सिटी है उसका आप SWIFT BIC कोड इसमें यूज कर सकते हैं, आपके स्टेट के अंदर सिटी होना चाहिए वो। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं स्विफ्ट कोड फॉर HDFC बैंक, तो जैसे कि मैं यहाँ से एक ब्रांच का सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये जैसे हमने कोड सिलेक्ट किया इसको कॉपी किया, तो कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये ध्यान रहेगी ये 11 डिजिट का होता है आपका, 11 डिजिट का होता है 11 नंबर का। इसके बाद हम जब अकाउंट नंबर ऐड करेंगे तो इसी अकाउंट नंबर को सेम हमें नीचे भी टाइप कर देना है। ठीक है, इसके बाद है आपका मीडिएटरी बैंक,
तो इस ये अपनी बैंक से पूछ सकते हैं। फिलहाल इसको फिल करना भी जरूरी नहीं है, ऑप्शनल होता है। नीचे आपका FFC और FVO है, ये भी ऑप्शनल है, इसको भी फिल करने की जरूरत नहीं है। बस हमारा फॉर्म फिल हो चुका है, इसके बाद क्या है मतलब पूरा फॉर्म चेक कर लेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं पूरा, इसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है, तो आपका जो फॉर्म है सॉरी अकाउंट है वो एसिन से अटैच हो जाएगा दोस्तों। तो सेव करने के बाद आपको जो भी इंटरफेस दिखाई देगा वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा जहां आपका नाम लिख के आने लगेगा और आपका बैंक अकाउंट के पीछे के डिजिट आपको दिखाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही सा है इसमें कि बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। अगर आपको एडसेंस को लेकर यूट्यूब को लेकर किसी को भी लेके कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैं फिलहाल आपको सारी जानकारी दूंगा कि आप अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं हर एक चीज जो भी है यूट्यूब या एडसेंस की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और अगर इच्छा हो रही तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको नीचे कमेंट करिए। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा पेमेंट ऑप्शन ऐड करने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखिए जो मैंने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे रखा है। चलिए दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखिए और बने रहिए आरजे टेक्नोलॉजी के साथ।